नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र सोमवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन का 75% निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। देश में अब तक 27 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटने को कहा। तेलंगाना सरकार ने कोविड प्रतिबंध पूरी तरह हटाने का फैसला किया। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बंद रहने के दौरान घर पर शिक्षण में अभिभावकों की भागीदारी के लिए दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में इब्राहिम रईसी ने प्रचंड विजय हासिल की। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल जारी। ब्रिस्टल में मेजबान इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पकड़ मजबूत। और यूरो कप फुटबॉल में ग्रुप एफ में फ्रांस और हंगरी का मैच जारी। अन्य ग्रुप मैचों में पुर्तगाल का सामना जर्मनी से और स्पेन का मुकाबला पोलैंड से होगा। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-23-97-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड टीकाकरण अभियान को और गति देने के लिए केंद्र सरकार सोमवार से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीकों का वितरण करेगी। अभियान के इस चरण में कुल कोविड टीकों का 75% हिस्सा केंद्र सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। शेष 25% प्राइवेट अस्पताल खरीदेंगे। इस अभियान में 18 से 44 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के साथ सभी आयु वर्ग के लोग शामिल होंगे। फिलहाल केंद्र सरकार कुल टीकों का 50% हिस्सा निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला ने इसे 75% बढ़ाने की अनुमति दी है। इससे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी लोगों का टीकाकरण हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में 7 जून को राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा की थी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। शुरुआती अनुमानों के अनुसार नई नीति के कारण केंद्र सरकार पर 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। पहले टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देशभर में ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कोरोना टीकाकरण की जागरूकता के लिए सोमवार से राष्ट्रव्यापी अभियान जान है तो जहान है शुरू होगा। इस अभियान का उद्देश्य टीकाकरण के बारे में निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को रोकना और शंकाओं का निवारण करना है। श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के साथ विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संगठन, गैर सरकारी संस्था और महिला स्वयं सहायता समूह
इस जागरूकता अभियान की शुरूआत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरूआत उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले से की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व देश के कुछ हिस्सों में कोरोना टीका के संबंध में अफवाहें फैला रहे हैं और जनता के बीच शंकाएं पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आम जनता के स्वास्थ्य और बेहतरी के दुश्मन हैं। श्री नकवी ने कहा कि भारत में निर्मित दो कोरोना वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि कोरोना के खिलाफ संघर्ष में टीका प्रभावी और एकमात्र हथियार है। उन्होंने बताया कि राज्य हज समिति, वक्फ बोर्ड, उनसे संबंधित संगठन, केंद्रीय वक्फ परिषद, मौलाना आजाद शिक्षण संस्थान, विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संगठन और गैर सरकारी संस्था, महिला स्व सहायता समूह, नई रोशनी योजना के अधीन काम कर रहे संगठन जान है तो जहान है के अभियान में हिस्सा लेंगे। देश में अब तक 27 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 33 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कोविड महामारी से लड़ाई में टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से देश में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2,87,00,000 से अधिक कोविड टीके अब भी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 28,50,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि 3 दिन में 52,26,000 से अधिक टीके राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिए जाएंगे। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोविड से कोई खतरा नहीं होगा। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के निदेशक डॉ प्रिया अब्राहम ने आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में कहा कि बच्चे महामारी की पहली और दूसरी लहर से भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता वयस्कों की प्रतिरोधक क्षमता की तुलना में अलग तरह से काम करती है। It's not that children were not exposed in the first and second wave. They were very much exposed. But children generally, especially younger children, have a mild or asymptomatic illness. And this is believed to be so because they have a lower number of ACE2 receptors expressed in their respiratory tract. And they also, their immune response handles the virus differently as compared to young adults and older adults. डॉक्टर अब्राहम ने टीकाकरण के बाद होने वाली परेशानियों के बारे में कहा कि ये वैक्सीन के प्रतिरोधक प्रभाव से संबंधित हैं। आफ्टर वैक्सीनेशन आर रिलेटेड टू एक्चुअली डिलीवरी ऑफ द वैक्सीन। बेसिकली दीज आर एलर्जिक और रिएक्शन टू द वैक्सीन। दीज सिम्टम्स कैन वेरी फ्रॉम लो ग्रेड फीवर, मसल एक, वीकनेस, टायर्डनेस। This is actually related to the immune response that is triggered after you have encountered the virus that is there in the vaccine formulation. That is not a COVID illness per se. That is the body's immune response to the vaccine formulation that is injected into your arm. That is the illness people feel after vaccination. पूरी भेंटवार्ता आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। We are passionate about flying in the sky. We know how to fight against every storm. We know how to fail the intentions of the enemies. We defend our aerospace with the state-of-the-art flying machines. Be a part of the most passionate force of the nation, Indian Air Force. To join Indian Air Force, log on to careerindianairforce.cdac.in. Registration opens from 1st June 2021 to 30th June 2021. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड मरीजों की संख्या घटकर लगभग 7,60,000 रह गई है। कोविड महामारी की दूसरी लहर के 74 दिन बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या 8,00,000 से भी कम हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 60,753 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान 97,743 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या
2,86,78,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हो गई है। लगातार 37वें दिन स्वस्थ लोगों की दैनिक संख्या नए संक्रमित लोगों से ज्यादा रही। साप्ताहिक संक्रमण दर 3.58 और दैनिक संक्रमण दर 2.98% है। दैनिक संक्रमण दर लगातार 12वें दिन 5% से कम रही। पिछले 24 घंटों में कोविड से 1,647 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या 3,85,000 से अधिक हो गई है। देश में कोविड जांच की क्षमता भी काफी अधिक हो गई है। अब तक 38,92,00,000 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि हमला करने वालों पर संस्थागत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों के विरुद्ध महामारी अधिनियम के प्रावधान लागू करने को कहा है। इन प्रावधानों में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले करने या उन्हें धमकी देने को प्रतिबंधित किया गया है। श्री भल्ला ने दोहराया कि सोशल मीडिया पर भी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने वाले तत्वों पर नजर रखी जानी चाहिए। गृह सचिव ने इस संबंध में पहले जारी की गई सलाह का उल्लेख करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और विशेष रूप से कोविड अस्पतालों में प्रवेश नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड के खिलाफ संघर्ष में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को दर्शाने के लिए अस्पतालों में पोस्टर लगाने चाहिए और सोशल मीडिया पर जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। श्री भल्ला ने जोर दिया कि चिकित्सकों या स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला या धमकी से उनका मनोबल कमजोर होता है और उनमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। इससे स्वास्थ्य सेवा तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वास्थ्य सेवा समुदाय की सुरक्षा और उनके सरोकारों के लिए तत्परता से काम करने का अनुरोध किया। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रतिबंधों में छूट के बावजूद कोताही न बरतें। राज्यों को कोविड अनुकूल व्यवहार, जांच, निगरानी, उपचार और टीकाकरण की 5 सूत्रीय रणनीति का पालन करने की सलाह दी गई है। कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने कोविड मरीजों की संख्या घटने के साथ विभिन्न गतिविधियों को फिर से खोलना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए छोटे छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने की नीति अपनाने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि पाबंदियां लगाने या उसमें ढील देने का फैसला जमीनी स्तर पर मौजूदा स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि पूरी प्रक्रिया का सावधानी पूर्वक आकलन करने के बाद ही कदम उठाए जाएं। कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप को देखते हुए पर्याप्त परीक्षण करने के लिए भी कहा गया है। श्री भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सक्रिय मामलों या उच्च सकारात्मकता दर में वृद्धि के शुरुआती संकेतों पर कड़ी नजर रखने की सलाह भी दी है। केंद्रीय गृह सचिव ने टीकाकरण को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने का एक मजबूत स्तंभ बताते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा सके। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तेलंगाना सरकार ने राज्य में कोविड प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाने और 1 जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला किया गया। यह फैसला राज्य में कोविड के नए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आने और संक्रमण की दर में कमी आने के कारण किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य के 16 जिलों में लॉकडाउन की पाबंदियों में और ढील देने की घोषणा की है। यह ढील उन जिलों में मिलेगी जहां संक्रमण दर 5% से कम है। अन्य 14 जिलों में लॉकडाउन पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। इन जिलों में संक्रमण दर 5% से अधिक है। छूट प्राप्त 16 जिलों में सार्वजनिक बसें और मेट्रो रेल 50% क्षमता के साथ चलेंगी। दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी और होटल 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। हालांकि तरणताल, सिनेमा हॉल, पूजा स्थल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
यह छूट 5 जुलाई से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में रात्रि और सप्ताहांत कर्फ्यू जारी रहेगा। शहरों में धीरे धीरे पाबंदियां हटने के साथ रेल विभाग देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर वापस लाने में मदद कर रहा है। पिछले 7 दिन के दौरान लगभग 32,56,000 यात्रियों ने लंबी दूरी और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से यात्रा की। इनमें प्रवासी मजदूर सहित अन्य लोग भी शामिल हैं। ये रेलगाड़ियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद और चेन्नई स्थानों पर आई हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आज हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर नीरज निश्चल चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 और 011-233-14444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र सोमवार से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन का 75% निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। देश में अब तक 27,23,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटने को कहा। तेलंगाना सरकार ने कोविड प्रतिबंध पूरी तरह हटाने का फैसला किया। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बंद रहने के दौरान घर पर शिक्षण में अभिभावकों की भागीदारी के लिए दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में इब्राहिम रईसी ने प्रचंड विजय हासिल की। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार। ब्रिटेन के साउथैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल जारी। ब्रिस्टल में मेजबान इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच के 4थे दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पकड़ मजबूत। और यूरो कप फुटबॉल में ग्रुप एफ में फ्रांस और हंगरी का मैच जारी। अन्य ग्रुप मैचों में पुर्तगाल का सामना जर्मनी से और स्पेन का मुकाबला पोलैंड से होगा। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 1456। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 08046110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 1443। और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बंद रहने के दौरान घर से शिक्षण प्रक्रिया में अभिभावकों की भागीदारी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें सुरक्षित सहभागिता और सकारात्मक शिक्षण परिवेश पर बल दिया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि महामारी में नए परिवेश में बच्चों के विकास और शिक्षण प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन दिशा निर्देशों में घर पर शिक्षण कार्य के लिए अभिभावकों को सरल उपाय सुझाए गए हैं। स्कूलों को सुझाव दिया गया है कि विद्यार्थियों के बारे में सूचनाओं के साथ गृह कार्य और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य गतिविधियों की जानकारी अभिभावकों को भी उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी केंद्र सुबह 6:30 बजे से इसका प्रसारण करेंगे। इस कार्यक्रम को आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी संबोधित करेंगे।
योगासनों की जिम्मेदारी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान निभाएगा। लाखों लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लेने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने घरों में योगाभ्यास करेंगे। योगाभ्यास के प्रदर्शन के बाद 7 बजे से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है, जो आरोग्य और प्रसन्न जीवन के लिए योग के महत्व को दर्शाती है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय है आरोग्य के लिए योग। योग दिवस वैश्विक स्तर पर लगभग 190 देशों में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि श्री बिरला ने पिछले 2 साल में भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को समृद्ध करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके साथ साथ कई ऐतिहासिक और जन उपयोगी कानून पारित हुए हैं। भारत के महान धावक और फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह के पार्थिव शरीर का आज शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कोविड से संबंधित समस्याओं के कारण कल रात चंडीगढ़ के PGIMER में उनका निधन हो गया था। अंतिम संस्कार स्थल के लिए शव यात्रा शुरू होने से पहले पंजाब के राज्यपाल VP बदनोर, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींडसा, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों, जाने माने एथलीट और खिलाड़ियों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग महान एथलीट के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्हें अंतिम विदाई दी। दिवंगत मिल्खा सिंह के पुत्र जी मिल्खा सिंह ने चिता को मुखाग्नि दी। चिता प्रज्वलित होने से पहले पंजाब पुलिस की टुकड़ी ने अपने शस्त्र झुकाकर उन्हें सम्मान दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजाब सरकार ने दिवंगत आत्मा के सम्मान में 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पद्मश्री सम्मान प्राप्त मिल्खा सिंह अपने पीछे गोल्फ खिलाड़ी पुत्र जीव मिल्खा सिंह और 3 पुत्रियों को छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी निर्मल कौर का हाल ही में कोरोना संक्रमण से निधन हो गया था। मानद कैप्टन मिल्खा सिंह भारतीय धावक थे और सेना की सेवा करते हुए उन्होंने खेल को अपनाया। वह एकमात्र ऐसे एथलीट थे जिन्होंने एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। प्रसार भारती के साथ एक विशेष साक्षात्कार में मिल्खा सिंह ने मेलबर्न ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता के रिकॉर्ड की बराबरी करने की यादों को साझा किया था। 1958 के अंदर नेशनल गेम्स कटक के अंदर हुई, उसके अंदर जब मैंने पहली बार उस रिकॉर्ड को छुआ जो लड़का मेलबर्न के अंदर फर्स्ट आया था ओलंपिक के अंदर, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये टाइम निकाल सकता हूं। और ये इतना चर्चा हुआ मिल्खा सिंह का सारी दुनिया के अंदर कि ये एक नया लड़का निकला है जो कि इसने वर्ल्ड के मुकाबले के जो टाइमिंग्स हैं उनके अंदर ये आ गया है, तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं ये टाइम निकाल सकता हूं। फ्लाइंग सिख ने 1956 के मेलबर्न ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 1960 के रोम ओलंपिक और 1964 के टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। खेल उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य गणमान्य लोगों ने मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महान एथलीट की याद में पटियाला विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह पीठ स्थापित करने की घोषणा की है। ईरान में कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज की है। कल हुए राष्ट्रपति चुनाव में 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। चुनाव में रिकॉर्ड न्यूनतम 48% मतदान दर्ज किया गया। गृह मंत्रालय के अधिकारी जमाल उर्फी ने बताया कि चुनाव में 2,86,00,000 मत पड़े और इनमें से लगभग 90% की गिनती हो चुकी है। श्री रईसी को 1,78,00,000 मत मिले हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे करोना को।
ये आकाशवाणी है। क्रिकेट में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में साउथहैम्पटन में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ खेलते हुए पहली पारी में 3 विकेट पर 120 रन बना लिए हैं। विराट कोहली 35 और अजिंक्य रहाणे 13 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस बीच विराट कोहली भारत की ओर से सबसे ज्यादा मैच में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कप्तान के तौर पर यह उनका 61वां टेस्ट मैच है। इस दौरान कोहली ने लगातार 9 टेस्ट श्रृंखलाएं भी जीती हैं। महिला क्रिकेट में ब्रिस्टल में भारत ने मेजबान इंग्लैंड के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में 7 विकेट पर 223 रन बना लिए हैं। स्नेहा राणा 21 और शिखा पांडे 7 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत ने आज 5 विकेट पर 187 रन से आगे खेलना शुरू किया। यूरोकप फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्रुप एफ में हंगरी और फ्रांस के बीच मैच जारी है। दोनों ही टीमें एक एक गोल की बराबरी पर हैं। आज ही ग्रुप एफ में पुर्तगाल का मुकाबला जर्मनी से, जबकि ग्रुप ई में पोलैंड का मुकाबला स्पेन से होगा। इससे पहले ग्रुप डी में कल क्रोएशिया और चेक गणराज्य के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब जब 40 दिन से भी कम रह गए हैं, आकाशवाणी समाचार द्वारा जारी विशेष श्रृंखला में हम आज बात करेंगे साल 2019 में 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाली भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला की। जयपुर में जन्मी निशानेबाज अपूर्वी चंदेला एक खेल पत्रकार बनना चाहती थीं, लेकिन बीजिंग 2008 ओलंपिक गेम्स में अभिनव बिंद्रा के जीते गोल्ड मेडल ने उन्हें एक शूटर बनने के लिए प्रेरित किया और इसके बाद अपूर्वी ने खुद को खेलों की दुनिया में उतारने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। माय इंस्पिरेशन टू टेक अप द स्पोर्ट हैज बीन अभिनव बिंद्रा। आई लाइक राइफल मोर, सो आई टुक टू राइफल शूटिंग। अपूर्वी ने साल 2009 में इंडिया स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग श्रेणी में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीतने में उन्हें सिर्फ 3 साल लगे। साल 2012 से 2019 के बीच अपूर्वी ने 6 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। साल 2016 में अपूर्वी ने रियो ओलंपिक से शुरुआत की थी, लेकिन खेलों के इस महाकुंभ में वो अपनी अपेक्षाओं के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। लेकिन अपूर्वी ने हार नहीं मानी और एक नई शुरुआत करते हुए साल 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। इसके बाद अगला साल 2019 अपूर्वी के लिए और भी यादगार रहा। उन्होंने दिल्ली में आयोजित हुए आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए जीत हासिल की। इस जीत ने इस साल आयोजित होने जा रहे टोक्यो ओलंपिक में भी उनकी जगह पक्की कर दी। फॉर टोक्यो 2021 ओलंपिक गेम्स आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 4 इयर्स। आई वन माय ओलंपिक कोटा बैक इन 2018, सो इट्स ऑलरेडी बीन ऑलमोस्ट 3 इयर्स नाउ दैट आई हैव बीन होल्डिंग इट ऑन एंड यू नो ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट इन एवरी मैच दैट आई गो फॉर। And I'm working closely with my support team, my coach, my physiotherapist, nutritionist, mental trainer. So I'm working on a daily basis with them very closely and trying to take care of all aspects. Naveen Saxena, Sports Desk. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार सोमवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन का 75% निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। देश में अब तक 27 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटने को कहा। तेलंगाना सरकार ने कोविड प्रतिबंध पूरी तरह हटाने का फैसला किया। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बंद रहने के दौरान घर से शिक्षण में अभिभावकों की भागीदारी के लिए दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में इब्राहिम रईसी ने प्रचंड विजय हासिल की। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार। और ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल जारी। ब्रिस्टल में मेजबान इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।